ये है एक रुपए का सिक्का और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये है दो रुपए का सिक्का, और दोनों ही सिक्कों के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दो रुपए के सिक्के में तर्जनी उंगली दिखाई दे रही है और उसके साथ में मध्यमा उंगली दिखाई दे रही है, लेकिन एक रुपए के अगर सिक्के को गौर से देखें तो यहाँ पे अंगूठा दिखाया गया है। आखिर एक रुपए के लिए यहाँ पे तर्जनी उंगली को क्यों नहीं दिखाया गया? तो फैक्टेड बाय विकास का आज का वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, जिसमें हम आपको यही बताएंगे कि यहाँ पे अंगूठे का यूज़ क्यों किया गया है। अगर आप लोग यही समझते हैं कि एक रुपए के सिक्के के लिए अंगूठा का यूज़ किया गया है, क्योंकि अंगूठा का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं संभव है और सब कुछ आज एक रुपए में नहीं मिल सकता है, इसलिए यहाँ पे अंगूठे का यूज़ किया गया है, तो आप यहाँ पे थोड़ा गलत हो सकते हैं। इससे पहले कि हम इनका अर्थ बताएं, आप ज़रा इस फिगर को ध्यान से देखिए, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हमारे नॉन सब्सक्राइबर वाले जो व्यूअर्स है वो ज़्यादा है और सब्सक्राइबर वाले व्यूअर्स उसकी तुलना में कम है। आखिर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? इस तरह के वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती, तब जाके इसका रिजल्ट इस तरह से आता है जो कि आपके सामने है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं इन सिक्कों का जो प्रतीक चिन्ह है उसका अर्थ। दो रुपए के सिक्के में आप लोगों ने देखा है कि एक तो मध्यमा उंगली होती है और दूसरी तर्जनी उंगली होती है, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं पहली उंगली। लेकिन जो एक रुपए का सिक्का है उसमें अंगूठा नज़र आता है। ये सारे के सारे उंगलियों के ऊपर ना होके ये भरतनाट्यम की मुद्राएं हैं। जो अंगूठा है और यह दो उंगलियां जो दिखाई दे रही हैं दो रुपए के सिक्के में, ये दोनों के दोनों भरतनाट्यम के मुद्राएं हैं। अगर आप भरतनाट्यम को ध्यान से देखें, नृत्य को, तो उसमें ये सब नज़र आता है। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर से आज की वीडियो को आप लाइक और साथ ही शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और इंस्टाग्राम पर जो हमें फॉलो नहीं किया ज़रूर से इंस्टाग्राम को पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ में आपको स्क्रीन पर भी नज़र आएगा। तो अब मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।